हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो जी, यहाँ पे मैं अपना सामान लेके आ गई हूँ। ये कल लेके आए थे तो हमने उतारा नहीं था, और सुबह के 9 बज चुके हैं। नाश्ता खाना पीना सब हो चुका है, तो ये सामान हमने सोचा चलो अभी फुल लगा लेते हैं। ये डब्बे मैंने साफ किया था पहले ही, और बस उसमें भर दे रही हूँ। चावल इसमें रखते हैं, और ये पैकेट वाले चावल, ठेले वाले चावल आते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं खुले हुए सामान। और यहाँ पर एक एक सामान करके मैं निकाल रही हूँ, जो भी जमा जरूरत का सामान था वही लेके आए हैं कैंटीन से। और जी बस ऐसे ही, कुछ बच्चों का, कुछ हमारा, कुछ पूजा का, कुछ वैसा, जो कुछ मच्छर भगाने का, क्योंकि मच्छरों का सीज़न भी आ चुका है। तो जी एक एक करके सारा सामान निकाल लिया है, इसको लगाने का भी काम है। बाकी ये देखिए, मैं अपना मसाले, ये जो साबुत धनिया होता है, ये सब डब्बों में भर के रख दूँगी। मैंने पीस लिया है पैक कुछ, तो और जी कुछ अपना इसमें भर दिया है एक्स्ट्रा, और हमने बस मसाला। तो जी ये देखिए गाइस, हमारा न्यू वाइपर भी आ चुका है। आपको देख रहा लग रहा होगा ये क्या दिखाने की चीज़ है, लेकिन जब काम करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आ गए हैं बालकोनी में। बालकोनी को आज मुझे साफ़ करना था, तो मैंने सोचा चलो पहले इसको ही धोते हैं, और पेड़ में पानी भी साथ के साथ ही डाल दिया, नहीं तो मैं पूजा करती हूँ उस वक्त पानी। राधे राधे, यहाँ पे पूजा हो गई हमारी, जय माता दी। यहाँ पे चाय बन चुकी है गाइस, अब हम चाय पीते हैं। अच्छा, कमेंट में बताना कौन कौन चुलाई के लड्डू को इस तरह से खाता है, चाय में या दूध में डाल के, बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस। जो नहीं खाता वो ट्राई करना, स्वाद ही आ जाता है। तो जी यहाँ पे बस मैं अपनी चाय का और चुलाई के लड्डू का पूरा आनंद ले रही हूँ, और मैं नहा के पूजा करके चाय पीती हूँ जी। बहुत मतलब मेरी ये भी एक आदत है। और अब आ जाते हैं दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है। मैं अपना लहसुन छील रही हूँ, इन्होंने अपना घिया मिक्सी में करके इसको बनाया जी, सूप चटनी बोल लो कुछ भी। पहले सूप बना रहे थे, लेकिन फिर चटनी बनाई है, जो कि बहुत अच्छी होती है, ऐसी खानी चाहिए। लौकी हमारे लिए बहुत फ़ायदे करती हैं, बच्चे वैसे तो खाते नहीं हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी इस चटनी को बहुत खाते हैं गाइस। ये देखिए बहुत अच्छी लगती है, अमरूद की और इसकी, ऐसे ऐसे हम कभी भी बना लेते हैं, और यही करते हैं इस तरह के काम ज़्यादातर। जो मैं अपना कढ़ी बनाने में और चावल ये सब रोटी बनाने में लगी हुई हूँ। आज दोपहर के लंच में कढ़ी चावल बनने वाले हैं गाइस, पकौड़ी डाल के मस्त अच्छी सी कढ़ी बनाऊंगी मैं। और यहाँ पे पकोड़ी बन रही है, पकोड़ी वाली कढ़ी, या चिल्ले बना के डाल लेते हैं, कोई प्याज आलू डालते हैं, बस ऐसे ही सबके अपने तरीके होते हैं। और गाइस हम बनाते हैं पकोड़ी की, पकोड़ी बना दी है मैंने, ये देखिए। अब हम इनको निकाल ले रहे हैं एक एक करके, और दो बार के बनाई थी क्योंकि छाई थोड़ी थी तो ज़्यादा कढ़ी बनानी नहीं थी। ये देखिए, ये दूसरी बार मैंने डाल दिया। फिर there's a drop, voices in my head, they telling me to stop, hey, got 20 G's for the keys. यहाँ बैठ के बन रही है कढ़ी, मैं स्लैब पे बैठी हूँ, ये देखिए चल रही है, इसको चलाना पड़ता है, तो बैठ के बना रही हूँ आराम से। बहुत देर लगती है कढ़ी को बनाने में गाइस, तो मैं बैठ के बना रही हूँ। तो जी यहाँ पे छोटे छोटे उबाल आने शुरू हो गए थे, मैंने डाल दी है पकौड़ी, पकौड़ी भी साथ के साथ पक जाएगी, जो थोड़ी बहुत रह जाती है ना अंदर से, वो भी अच्छे से फिर बहुत अच्छी लगती है ऐसे में, और सॉफ्ट भी हो जाती है पकौड़ी ना हमारी, ऐसे तरीके से बहुत टेस्टी बनती है। और हम डाल दिया है हरा धनिया, जो कि प्लेट तैयार हो गई है गाइस, कढ़ी चावल और जी ये सूप चटनी वाला, और ये रोटी। वेदांत क्या हो रहा भैया, आजा खाना खा ले, आओ चलो खाना खाऊंगे मम्मी बेटा, आजा। आवाज कम है,
के बाद अब किचन को साफ करने की बारी आ जाती है। बर्तन साफ करते हैं, गैस पे साफ करिए। जब पकौड़ी बनाते हैं, कुछ चिल्ले विल्ले बनाते हैं तो गैस पे गिर ही जाते हैं, और अच्छी वाली सफाई करनी पड़ती है फिर, क्योंकि चिपक भी जाता है कुछ बढ़िया तरीके से। तो ये ऐसा करके मैं अपनी गैस को साफ कर ले रही हूँ, और वेदांत को अपने डैडी के साथ शिकायत करने में लगा है। डैडी चलो मुझे पिचकारी दिलवा खिलाओ। पिचकारी की लगी हुई है इसको सुबह से ही, आज दोपहर तक तो कर दिया, लेकिन अभी रुकेगा नहीं। आज पिचकारी लेके आने वाला है और आपको भी दिखाएगा। देखो कई दिनों से कर रहा है कि पिचकारी दिलवा खिलाओ, तो ये माना नहीं, और अपने डैडी को लेके पहुँच ही गया। पिचकारी आ गई जी, पिचकारी होली के तो अभी बहुत दिन है। यहाँ इधर लेके आओ उन्हें, अब भी आराम से है। ये बैग अपनी सेट उतरे उतार के जो लगाती नहीं थे ऐसे चेक करके देख लो आई ना यही। वेदांत की भी सेट हो गई है जी, वेदांत एरोप्लेन की लेकर आया है। और अवनी तेरी है? तो अवनी की प्रिंसेस की है। पाइप लगा गई तो पानी रुकेगा पोपट। अवनी उल्टा मत कर ऐसे, मुझे टांगने का है वो। अवनी बाथरूम में ट्राई करेगी, बाथरूम में रख रहे वहां कर ले बात नहीं करो। चलो कर, बाहर आ जाती है। चल लिए भाई, वाह सही है। मेरी पिचकारी उससे अच्छी है, उसकी बहुत कम पानी डालती है। पेड़ पे, पेड़ के बोल दे पूरा पानी कम भरा क्या? कोई यहीं पे एंड करते हैं। आइए आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।